इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। आइए उसके अगले चरण में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन हमारे पास है, इसको सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो नीचे जो कंटेंट है उसके फैक्टर करेंगे। अगर इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक और एक्स माइनस एक, ये दो फैक्टर बन गए। इसके दोबारा फैक्टर बनाते हैं एक्स माइनस एक, एक्स प्लस एक, तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा थ्री एक्स प्लस फाइव डी एक्स, और ये नीचे एक्स प्लस में एक और एक्स माइनस एक का स्क्वायर, ये हमारे पास इसके जो है फैक्टर बन गए। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, थ्री एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको यहाँ से उठा के लिया। यहाँ पर पहले कोई कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट ए लिखेंगे, उसके अपॉन में पहला ब्रैकेट, प्लस में बी, बी के अपॉन में जो अगला ब्रैकेट है उसकी एक पावर, प्लस में सी और अब उसके ऊपर दो पावर, ये दो पावर है इसको बढ़ाते चलेंगे। अगले स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए ये जो संख्या इधर है इसको इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे करेंगे तो एक्स प्लस वन कट जाएगा या एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में बी इसमें करेंगे तो ये एक पावर कट जाएगी, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन बच जाएगा, और आगे सी के मल्टीप्लाई भी करेंगे तो केवल एक्स प्लस वन बन जाएगा। अब अपने को ए बी सी की कॉन्स्टेंट साइन की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए सबसे हम पहले हम पुट करेंगे, इसको जीरो बराबर रखेंगे तो यहाँ हमारे पास पुटिंग एक्स बराबर माइनस वन आएगा, तो ये माइनस थ्री प्लस फाइव, माइनस वन रखेंगे यहाँ पर तो ये माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा, और बी के गुणा में यह माइनस वन रखेंगे जीरो आ जाएगा, सी के गुणा में भी जीरो आएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो यह हमारे पास दो बच के आ रही है चार, तो ए की वैल्यू हमारे पास वन बाई टू आ गई है। अगली वैल्यू निकालने के लिए पुट करेंगे हम पुटिंग एक्स इज इक्वल टू वन, यहाँ से वन आएगा, वन पुट करेंगे तो ये इधर एट हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ए के गुणा में जीरो, बी के गुणा में जीरो बन जाएगा, और सी के गुणा में हमारे पास वन 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 टू आ जाएगा। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो सी की वैल्यू आप फोर आ जाएगी। तीसरी वैल्यू निकालने के लिए हमको कोएफिशिएंट इक्वेट करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी पावर जो है इसमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट अगर इक्वेट कर दें, उधर हमारे पास जीरो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ए आएगा, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास बी आएगा। ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास जीरो प्लस में वन बाई टू प्लस में बी जीरो इक्वल टू, तो इससे बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस में वन बाई टू। ये ए बी सी की जो वैल्यू आई है इनको उठा करके हमको यहाँ रखेंगे तो हमारे पास जो दिया हुआ जो इंटीग्रेशन है क्वेश्चन वो बन जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ए के स्थान पर वन बाई टू है, एक्स प्लस वन है, बी के स्थान पर माइनस वन बाई टू है, एक्स माइनस वन है, और सी के स्थान पर फोर है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए इसके ऊपर का इंटीग्रेशन का निशान और डी एक्स इसके साथ ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन का निशान और डी एक्स ऐड हो रहा है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा वन बाई टू लोगो एक्स प्लस वन, इसका आ जाएगा माइनस वन बाई टू लोगो एक्स माइनस वन, और ये फोर है, इसकी पावर को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स माइनस वन माइनस टू पावर हो जाएंगे, ऊपर एक पावर जोड़ेंगे तो माइनस वन अपॉन में माइनस वन डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है वन बाई टू, लॉग में दो संख्याएं माइनस में होती है तो वो अपॉन में आ जाती हैं, तो इसको इसके अपॉन में ले आएंगे और माइनस में फोर और ये अपॉन में एक्स माइनस वन, तो ये इसका हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया। अगला क्वेश्चन लिया है, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, नीचे जो कंटेंट है इसके एक्स माइनस दो और एक्स माइनस एक फैक्टर बढ़ जाएगा, एक्स माइनस एक और एक्स माइनस में दो, क्योंकि इस पर दो पावर है स्क्वायर है तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ये थ्री माइनस में टू एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे अपने पास ए अपॉन एक्स माइनस एक प्लस में बी अपॉन एक्स माइनस एक का स्क्वायर, इसमें यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर स्क्वायर है, सी अपॉन एक्स माइनस दो और प्लस में डी अपॉन एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर चार कॉन्स्टेंट आए हैं, चार कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एलसीएम ले रहे हैं
जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ए के मल्टीप्लाई में एक तो एक्स माइनस एक आ जाएगा और एक एक्स माइनस दो का होल स्क्वेयर आ जाएगा। बी के मल्टीप्लाई भी करेंगे तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वेयर बच जाएगा। सी के मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर बच जाएगा, एक्स माइनस टू की एक और बच रही है। और डी के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म एक्स माइनस टू वाली कैंसिल हो जाएगी, एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर बन जाएगा। अब हमको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से सोल्व करेंगे, एक्स बराबर एक आएगा तो ये पुटिंग एक्स बराबर वन, वन पुट करेंगे तीन माइनस दो, यहाँ वन पुट करेंगे ये भी जीरो आएगा, यहाँ पुट करेंगे ये जीरो आएगा, और यहाँ पर वन पुट करने पर ए के मल्टीप्लाई में जीरो आ जाएगा, बी के मल्टीप्लाई में यहाँ वन पुट करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर वन आएगा, सी के मल्टीप्लाई में जीरो आएगा, डी के मल्टीप्लाई में जीरो आएगा। तो इससे हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू वन आ गई है। उसके बाद में दूसरी वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग एक्स बराबर यहाँ दो पुट करेंगे तो ये तीन माइनस दो दूनी चार आठ आ जाएगा, इधर करेंगे ये जीरो बन जाएगा, ये दो का जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, जहाँ जब एक्स माइनस दो का फैक्टर हो जीरो बन जाएगा, ये डी वाला है। यहाँ पर हम एक्स बराबर जब दो पुट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर एक आ जाएगा। तो इस तरह से सोल्व करें अगर हम तो डी की वैल्यू हमारे पास माइनस में फाइव आ गई है। अगली वैल्यू निकालने के लिए हमको कोफिशेंट इक्वेट करने पड़ेंगे। यह सबसे बड़ी जो कोफिशेंट है वो एक्स क्यूब है। इक्वेटिंग कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स क्यूब की कोई टर्म नहीं है, जीरो कोफिशेंट हो गया। इसको सोल्व करेंगे एक्स स्क्वेयर आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब का कोफिशेंट बार ए है, ए से मल्टीप्लाई करें ए आ जाएगा। इसमें एक्स क्यूब की कोई टर्म नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ए प्लस सी बराबर जीरो एक इक्वेशन आ गई है। अब इक्वेटिंग कॉन्स्टेंट टर्म्स, हम किसी भी पावर की टर्म को इक्वेट कर सकते हैं। आसान जो पड़ती है हमको वो सबसे बड़ी पावर या कॉन्स्टेंट टर्म्स पड़ती है। कॉन्स्टेंट टर्म को इक्वेट करने का मतलब हमको यहाँ एक्स बराबर जीरो रखना है तो इधर हमारे पास थ्री आ जाएगा, यहाँ जीरो रख देंगे, यहाँ जीरो रखेंगे इसका स्क्वेयर चार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए आ जाएगा, यहाँ जीरो रखेंगे दो का स्क्वेयर ये फोर भी आ जाएगा, यहाँ जीरो रखेंगे तो ये हमारे पास एक बन जाएगा, ये माइनस में टू ऐसी आ जाएगा, ये जीरो करने के बाद में डी आ जाएगा। इसमें हमारे पास दो वैल्यू हमने पहले निकाल दी थी, बी की और डी की, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तीन बराबर आ रहा है माइनस ए, बी की वैल्यू एक है चार और माइनस में दो सी, और डी की वैल्यू हमारे पास माइनस फाइव है। तो ऐसा करेंगे तो ये हमारे पास माइनस में ए, माइनस में टू सी, माइनस ए माइनस टू सी, और ये माइनस उधर ये चार बन जाएगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन रही हैं। इससे पहले एक इक्वेशन आई है ए प्लस सी बराबर जीरो, हमको ए और सी की वैल्यू निकालनी है, ए प्लस सी बराबर जीरो इसके नीचे रख दें, इसको सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास माइनस ए बराबर फोर। तो ए की वैल्यू हमारे पास माइनस फोर आ गई है। अब हमको सी की वैल्यू निकालनी है, इसमें रख देंगे माइनस फोर प्लस में सी बराबर जीरो, तो सी का मान चार आ गया है। ए बी सी डी सभी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब जो ए बी सी डी की वैल्यू निकाली है वो हमको यहाँ पर रखनी है, यहाँ पर रख दें तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा थ्री माइनस में टू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का स्क्वेयर एक्स माइनस टू का स्क्वेयर। ए की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस में फोर, इसके अपॉन में है एक्स माइनस वन। बी की वैल्यू है हमारे पास वन, वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वेयर। सी की वैल्यू हमारे पास फोर है, फोर अपॉन एक्स माइनस टू। और डी की वैल्यू हमारे पास माइनस फाइव है, माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वेयर। अब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का निशान डी एक्स इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, यह भी इंटीग्रेशन का निशान डी एक्स ऐड कर दिया और ये इंटीग्रेशन का निशान डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज इंटीग्रेशन, इस पर एक पावर है तो यह आ जाएगा माइनस फोर लोग एक्स माइनस वन। इसके ऊपर दो पावर ऊपर ले जाएंगे पावर को तो एक्स माइनस एक की पावर माइनस एक आ जाएगी, माइनस एक से इसको डिवाइड कर देंगे, इसका लॉग एक पावर है तो इस पर लॉग लग जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस पाँच, एक्स माइनस दो की पावर इसमें जोड़ेंगे तो माइनस एक, और पावर माइनस एक से भाग दे दिया। तो क्वेश्चन हमारे पास आ गया है आंसर इसका माइनस में फोर लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, इस संख्या में से
और अगर इसमें से हम 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा एक साथ वैल्यू, से ये प्लस की बढ़ जाएगी एक्स माइनस टू, और डिवाइड भी माइनस का हो गया, एक्स माइनस वन से डिवाइड कर दिया तो ये तो हमारे पास इन दोनों का आंसर आ गया माइनस वन बाई एक्स माइनस वन आ गया ये, और ये प्लस में 5 अपॉन x-2। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। यहाँ पर a की वैल्यू थी -4 थी, तो इस -4 को मान के कैलकुलेशन दोबारा करके दोबारा वैल्यू निकाली तो a और c की वैल्यू 2-2 आएगी, इसको रिप्लेस किया है। इसको अगला क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है। सबसे पहले हम इसको पॉलिनोमियल बदलेंगे, उसके लिए इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये कोस स्क्वायर फाइव है, इसको साइन स्क्वायर में बदल रहा हूँ, 5 - cos² की जगह रख दिया 1 - sin² - 4 sin². अब हम मानेंगे लेट sin² की वैल्यू जेड मान लें, डिफ्रेंशिएशन करें तो ये हमारे पास cos(π)(dφ) की वैल्यू डी जेड आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा 3z - 2, ये सारा डी जेड आ गया है, और नीचे ये 5 में से 1 जाएगा तो 4, और ये प्लस में z² - 4z आ गया, इंटीग्रेशन आ गया 3z - 2dz, और नीचे ये z-2² आ गया। इस तरह से अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है 3z-2z-2² पहले कांस्टेंट a अपॉन में z-2 प्लस में b अपॉन z-2² एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a के मल्टीप्लाई में z-2 है प्लस में b के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं बचेगा, पुटिंग z = 2। अगर 2 कर देंगे तो ये इधर 4 बच जाएगा, 0 आ जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। a की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेटिंग कोफिशेंट ऑफ जेड की इक्वेट कर दे, इधर 3 आ रहा है, इधर ए आ जाएगा, ए और बी की वैल्यू आ रही है, ए बी की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3z-2 डिवाइडेड बाई z-2² ए के स्थान पर आया है 3 अपॉन z-2 प्लस में बी की वैल्यू 4 आई है 4 अपॉन z-2² अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले इसके ऊपर इंटीग्रेशन का निशान लगाते हैं, अब डी जेड ऐड करते हैं, ये हमारे पास आ रहा है 3 log(z-2), इस पर 2 पावर है तो ये ऊपर जाएगा z^-1 और अपॉन में -1 + c। अब इसमें जेड की वैल्यू हमने मानी थी जो है sin 5 मानी थी तो ये sin 5 वापस रख रहे हैं, -4 upon sin 5 - 2 + c, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से हमारा इंटीग्रेशन हुआ है। यहाँ पर हमारे पास जो लॉग की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, जो साइन फाई है इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, -2 घटेगा नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए इसको हम थोड़ा सा माइनस का निशान लेके उल्टा इसको पॉजिटिव बना देते हैं, 2 बड़ा होता है, साइन फाई की रेंज 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए उसको उल्टा लिख दिया। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये -कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 upon 2 - sin 5 और प्लस में सी। अगला क्वेश्चन लिया हमने, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये sin π / cos π है और ब्रैकेट में 1 - sin π/dφ है। हम इसको पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पॉलीनोमियल फंक्शन में बदलना चाह रहे हैं। लेट sin π = z, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, cos π (dφ) की वैल्यू डी जेड आ रही है, यहाँ से हम dφ की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dz / cos π, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, इसका मान जेड माना है, dφ की वैल्यू आई है dz / cos π, एक cos π पहले था तो एक cos² π आ जाएगा और एक माइनस में sin π, उसके बाद में dz cos² π को हम लिख सकते हैं 1 - sin² π, तो 1 - sin² π और ब्रेकट में 1 - sin π है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z dz, यहाँ पर
वन माइनस में जेड स्क्वेयर और ये वन माइनस जेड आ जाएगा, इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, तो ये जेड डी जेड, एक वन प्लस जेड बच रहा फैक्टर है, एक वन माइनस जेड है, एक वन माइनस जेड यहाँ से आएगा, तो वन माइनस जेड का होल स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास अब फैक्टर बन गया। अब हमको पता लगा है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक में दे रखा था वहाँ से हमको पता नहीं लगता है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तो पहले उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, जब इसके फैक्टर हो जाए उसके बाद इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। तो ये कंटेंट यहाँ से उठा लिया है, ए अपॉन पहला ब्रैकेट लिखा है प्लस में बी अपॉन वन माइनस जेड प्लस सी अपॉन वन माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो जेड बराबर आ जाएगा ए के मल्टीप्लाइंग में वन माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस में बी वन प्लस जेड और वन माइनस जेड प्लस में सी के गुणा में वन प्लस जेड है। सबसे पहले पुट करेंगे वैल्यू, पुटेंगे जेड इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन आ जाएगा, या माइनस वन रखेंगे दो का स्क्वायर फोर आ जाएगा, ये बी और सी की टर्म है ये सब जीरो बन जाएंगी, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास वन बाई माइनस वन बाई फोर आ गया है। अगली वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग जेड इज इक्वल टू यहाँ से वन आ जाएगा, तो ये वन ये जीरो बन जाएगा, ए के गुणा में जीरो प्लस में बी के गुणा में ये यहाँ जीरो बन जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो ये टू सी आ जाएगा, यहाँ से सी की वैल्यू अपने पास वन बाई टू आ रही है। नेक्स्ट टाइम कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ जेड स्क्वायर, यहाँ पर जेड स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर के साथ ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बी आएगा, ए की वैल्यू माइनस एक बटे चार यहाँ रख देंगे, तो जीरो बराबर माइनस वन बाई फोर और माइनस बी, यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू भी माइनस वन बाई फोर आ गई, ये वैल्यू उठा करके अब यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा जेड अपॉन में वन प्लस में जेड वन माइनस जेड का होल स्क्वायर। पहले आ रही ए की वैल्यू माइनस वन बाई फोर है, वन प्लस जेड आ रहा है, प्लस में बी है, बी की वैल्यू माइनस वन बाई फोर है, ये वन माइनस में जेड आ गया है, और सी की वैल्यू हमारे पास है वन बाई टू, वन बाई टू और वन माइनस जेड का होल स्क्वायर है। इंटीग्रेशन का निशान और डी जेड ऐड कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का निशान डी जेड ऐड कर दिया, इंटीग्रेशन और डी जेड ऐड हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है माइनस वन बाई फोर लॉग ऑफ वन प्लस जेड, यहाँ से करेंगे तो माइनस वन बाई फोर लॉग ऑफ वन माइनस जेड, लेकिन इसके माइनस होना और आएगा, ये माइनस यहाँ लगा दे प्लस हो जाएगा, प्लस में वन बाई टू, ये वन माइनस जेड है, इसके ऊपर माइनस दो पावर है, माइनस एक पावर आ जाएगी, माइनस एक से भाग दे देंगे, अंदर वो जो वन माइनस जेड है उसका एक माइनस वन और आएगा, और कर दिया प्लस सी, यहाँ से अगर वन बाई फोर को मन ले लें तो यह हमारे पास आ जाएगा वन माइनस जेड, ये नेगेटिव संख्या इससे डिवाइड कर देंगे, ये प्लस हो गया है, दोनों वन बाई टू और ये वन माइनस में जेड की पावर एक नीचे लिख दी है प्लस ही, तब जेड की वैल्यू हमने माननी थी, जेड के स्थान पर हमने साइन फाई माना था, तो वो एक माइनस में साइन फाई, एक प्लस में साइन फाई, प्लस में वन बाई टू, एक माइनस में साइन फाई और प्लस में सी, जो वैल्यू मानी थी वो इसमें हमने वापस पुट कर दिए, तो सॉल्व हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये सी कंटेक्स को हम लिख सकते हैं वन बाई कोस एक्स और नीचे है वन प्लस वन बाई साइन एक्स, अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा डी एक्स अपॉन में कोस एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस में वन और अपॉन में साइन एक्स है, उसको अगर ऊपर रख दें तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है, पीछे जैसे क्वेश्चन बन रहा है बिल्कुल। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेट साइन एक्स का मान जेड मान लेता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस एक्स, डी एक्स की वैल्यू डी जेड आ रही है, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू हमारे पास डी जेड अपॉन कोस एक्स आ गई है, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन एक्स के स्थान पर जेड और डी एक्स के स्थान पर डी जेड अपॉन कोस एक्स, एक कोस एक्स पहले था तो ये कोस के एक्स आ गया और ये साइन एक्स प्लस में वन आ रहा है, ऐसा करेंगे तो ये जेड डी जेड, नीचे हमारे पास आ रहा है वन माइनस ये साइन स्क्वेयर एक्स आ गया है और ये हमारे पास वन प्लस में साइन एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके दो फैक्टर बन जाएंगे वन माइनस साइन एक्स और वन प्लस साइन एक्स, ये वन माइनस में
साइन एक्स है और इसके गुणा में वन प्लस साइन एक्स, ये दो बार हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। वैल्यू पुट कर दे इसमें तो ये हमारे पास आ जाएगी वन माइनस जेड, और दूसरा फैक्टर है वन प्लस जेड का होल स्क्वायर। उसके बाद हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, वन माइनस जेड वन प्लस जेड, ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है, ए अपॉन वन माइनस जेड प्लस में बी अपॉन वन प्लस जेड और सी अपॉन वन प्लस जेड का होल स्क्वायर। एलसीएम ले रहे हैं, जेड बराबर ए, ए के मल्टीप्लाई में आ जाएगा वन प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस में बी, बी के मल्टीप्लाई में है वन माइनस जेड और वन प्लस जेड, और सी के मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास केवल वन माइनस जेड। वैल्यू निकालेंगे ए बी सी की, उसके लिए सबसे पहले पुटेंगे जेड बराबर वन पुट करेंगे, तो ये वन पुट करेंगे तो फोर आ जाएगा। यहाँ से ए की वैल्यू अपने पास वन बाई फोर आ गई है। नेक्स्ट वैल्यू पर निकालने के लिए पुटिंग जेड इजिकल टू माइनस वन, माइनस वन पुट करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, इधर माइनस वन रख दिया है ये भी जीरो बन जाएगा, यहाँ दो सी आ जाएगा। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो सी की वैल्यू वन बाई टू आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए जेड कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ जेड स्क्वायर, तो ये इधर जीरो आ रहा है, इधर जेड स्क्वायर कोई टर्म नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा, इसको करेंगे तो ये माइनस में बी आएगा। ए की वैल्यू यहाँ अगर हम रख दें वन बाई फोर, तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू वन बाई फोर आ गई है। ये ए बी सी की जो तीनों वैल्यू आई है ये उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे, तो क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा, जेड बराबर जेड अपॉन वन माइनस जेड वन प्लस जेड का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू आई है हमारे पास वन बाई फोर वन माइनस में जेड प्लस में बी की वैल्यू है वन बाई फोर वन प्लस जेड, और सी की वैल्यू आई है प्लस में वन बाई टू, ये वन प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन का निशान लगा देंगे डी जेड, इंटीग्रेशन का निशान डी जेड हर जगह ऐड कर दिया है, तो ये हमारे पास इंटीग्रल आ गया है वन बाई फोर। इसको इंटीग्रेशन करेंगे वन माइनस जेड, यहाँ इसके जेड के नाम को माइनस एक और आ जाएगा, माइनस निशान यहाँ लगा दिया है, प्लस में वन बाई फोर, इसका इंटीग्रेशन वन प्लस जेड हो जाएगा, प्लस में वन बाई टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसमें दो पावर माइनस होगी, एक पावर माइनस जोड़े माइनस एक आएगी, उससे भाग दे दिया है। क्वेश्चन हमारे पास बन गया वन बाई फोर लोगो, ये संख्या प्लस की है नेगेटिव है तो इसको आगे रख दिया, और नेगेटिव संख्या को इसके अपॉन में रख दिया है, माइनस में ये वन बाई टू आ गया और ये वन प्लस जेड प्लस में सी आ रहा है। अब जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, लॉग ऑफ जेड के स्थान पर हमने साइन एक्स माना था, साइन एक्स को जेड माना था, साइन एक्स यहाँ वापस पुट कर रहा हूँ, माइनस में वन बाई टू वन प्लस में साइन एक्स और प्लस में सी, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया है। अगला क्वेश्चन लिया, इसमें हम लेट ई की एक्स माइनस एक का मान जेड मान रहे हैं, तो ई की एक्स का मान हमारे पास जेड प्लस वन आ गया। डिफ्रेंशिएशन करेंगे ई की एक्स डी एक्स का मान डी जेड आ गया, यहाँ से हमको डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी जेड अपॉन में ई की एक्स आ गया है। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दें तो हमारे पास इंटीग्रल बन जाएगा डी जेड अपॉन में ई की एक्स, और ये ई की एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर ये हमको दिया हुआ था। अब इसमें वैल्यू जेड पुट कर देंगे, ई की एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर जेड प्लस वन है, और इस संख्या को हमने जेड माना है, ये जेड स्क्वायर आ गया है। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं या एक्स की टर्म में सारी, इसको जेड की संख्या में टर्म कर डिफरेंट चेंज करना है, तो यहाँ से इसको मानना है ई की एक्स को मान निकाला, फिर इसको मानना है डी एक्स बचा हुआ, डी एक्स की वैल्यू निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ जेड, और ये वैल्यू हर देंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा जेड प्लस वन जेड स्क्वायर, ए अपॉन जेड प्लस वन है प्लस बी अपॉन जेड है प्लस में सी अपॉन जेड स्क्वायर है। एलसीएम लेंगे तो ये ए इंटू जेड स्क्वायर आ जाएगा, बी के गुणा में हमारे पास जेड और जेड प्लस एक है, और ऐसे सी के गुणा में जेड प्लस वन आ गया है। उसके बाद हम पुट करेंगे, पुटिंग जेड बराबर जीरो, तो ये जीरो बन जाएगा, ए के गुणा में जीरो, बी के गुणा में जीरो, और ये सी, इसको सोल्व करेंगे तो सी का मान एक आ जाएगा। ऐसे अगली वैल्यू निकालने के लिए हम पुटिंग जेड इज गोल्डू, इसको करेंगे तो माइनस एक पुट कर देंगे, तो एक बराबर ए, ये एक बन जाएगा, ये सब वैल्यू जीरो बन जाएंगी, बी के गुणा में जीरो, सी के गुणा में टर्म जीरो हो जाएंगी, तो
एक हमारे एक आ गया है। नेक्स्ट वन निकालने के लिए इक्वेट करेंगे कोफिशियन रेड स्क्वेयर के, इक्वेटिंग कोफिशियंट ऑफ जेड स्क्वेयर कोफिशियंट इक्वेट कर देंगे, तो इधर जेड स्क्वेयर की कोई टर्म नहीं है, इधर ए है ये प्लस में यहाँ बी आ जाएगा, ए की वैल्यू एक रख देंगे तो यहाँ से बी की वैल्यू माइनस एक आ जाएगी, ये वैल्यूज उठा करके अगर यहाँ रख दें तो ये वन बाई जेड प्लस वन जेड स्क्वेयर ए के स्थान पर एक बटे जेड आ प्लस में वन आ गया है, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस वन है माइनस वन अपॉन जेड आ गई है, और सी की वैल्यू फिर एक आई है एक अपॉन में जेड स्क्वेयर है। इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का निशान और डी जेड इनके साथ ऐड कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ जेड प्लस वन माइनस में लॉग जेड आ रहा है ये, और इसको करेंगे तो ये जेड की पावर माइनस एक दो पावर ऊपर एक माइनस प्लस सी, ये इंटीग्रेशन आ गया इसका। अब जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, जेड की वैल्यू हमने मानी थी ई की एक्स माइनस एक को जेड माना था, ये माइनस में लॉग ऑफ ई की एक्स माइनस एक बटे ई की एक्स माइनस एक आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ ई की एक्स, ये माइनस की संख्या इसके ई की एक्स प्लस एक अपॉन में रख दिया है, माइनस वन बाई ई की एक्स माइनस वन और प्लस में सी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लिया है, पहले इसके फैक्टर करते हैं, ई की एक्स इसमें कॉमन ले लिया है, ई की एक्स माइनस तीन आ रहा है, इसको हमको पॉलिनोमियल फंक्शन बदलना है, इसके लिए लेट ई की एक्स वैल्यू जेड मानेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे ई की एक्स डी एक्स वैल्यू डी जेड आ रही है, यहाँ से हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी जेड अपॉन में ई की एक्स, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा डी जेड अपॉन ई की एक्स पहले था, ई की एक्स का ये होल स्क्वायर बन रहा है और ई की एक्स माइनस तीन आ गया है दिया हुआ है, ये डी जेड ई की एक्स के स्थान पर हमने जेड माना था तो जेड स्क्वायर और जेड माइनस में थ्री, ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया है, यहाँ से हमको नहीं पता लग रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का यहाँ से लग रहा है, इसलिए पहले इसको ध्यान से सोल्व करना है और उसके बाद में ये हमको पता लगेगा किस तरीके से करना है। बी अपॉन में जेड प्लस में सी अपॉन जेड स्क्वायर, एल स्क्वायर बनेंगे तो एक के गुणा में जेड स्क्वायर आ जाएगा प्लस में बी के गुणा में जेड और जेड माइनस थ्री आ रहा है और सी के गुणा में जेड माइनस में थ्री है। वैल्यू पुट करने के निकालने के लिए पहले पुटिंग जेड इज इक्वल टू थ्री, थ्री पुट कर देंगे तो ये पर नाइन आ जाएगा, बी के गुणा में जीरो और सी के गुणा में जीरो आ रहा है, यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास वन बाई नाइन आई है। नेक्स्ट पुटिंग जेड इज इक्वल टू जीरो, अगर जीरो पुट कर देंगे ये जीरो बन जाएगा, बी भी जीरो बन जाएगा और सी के गुणा में आ जाएगा हमारे पास माइनस थ्री, यहाँ से सी की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ जेड स्क्वेयर कोफिशिएंट जेड स्क्वेयर को इक्वेट कर देंगे जीरो, ये ए है ये प्लस में बी आ जाएगा, यहाँ से जीरो यहाँ ए है या बी है, ए की वैल्यू माइनस नाइन रख देंगे प्लस वन बाई नाइन रख देंगे तो बी की वैल्यू माइनस वन बाई नाइन आ जाएगी, ये वैल्यू वहाँ पुट करेंगे तो ये जेड माइनस थ्री जेड स्क्वेयर ए अपॉन में ए की वैल्यू हमारे पास वन बाई नाइन है जेड माइनस थ्री, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस वन बाई नाइन है अपॉन में जेड है और सी की वैल्यू है हमारे पास है माइनस वन बाई थ्री और जेड स्क्वेयर इंटीग्रेशन का निशान और डी जेड इसके साथ एड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वन बाई नाइन लॉग ऑफ जेड माइनस थ्री माइनस वन बाई नाइन लॉग जेड और माइनस में वन बाई थ्री जेड की पावर माइनस एक, एक करेंगे तो माइनस एक प्लस सी, इसमें से वन बाई नाइन कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा जेड माइनस थ्री अपॉन में जेड और प्लस में वन बाई थ्री बाई वन बाई जेड प्लस सी, जेड की वैल्यू रख देंगे वन बाई नाइन लॉग ऑफ ई की एक्स माइनस थ्री अपॉन में ई की एक्स प्लस में वन बाई थ्री वन बाई ई की एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन लिया हमने, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, दो भागों में बांट रहे हैं इसको, साइन एक्स वन प्लस कोस एक्स इसको इसके अपॉन लिख दिया है प्लस में इसको इसके अपॉन रखेंगे डी एक्स अपॉन ये साइन एक्स कट जाएगा वन प्लस कोस एक्स आ गया है, ये एक क्वेश्चन हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया है। आई वन पहला पार्ट तो हमारे पास डी एक्स अपॉन साइन एक्स वन प्लस में कोस एक्स ये एक क्वेश्चन है और आई टू ये दूसरा क्वेश्चन है डी एक्स अपॉन
वन प्लस कोस एक्स, ये तो आसानी से कर सकते हैं, ये हम पहले पढ़ा हुआ, पहले इसको सोल्व करते हैं। आई टू हमारे पास है डी एक्स वन प्लस कोस एक्स, वन प्लस कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है टू कोस स्क्वायर एक्स वाई टू, इसको रख देंगे वन बाई टू, ये कोस के ऊपर जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स। तो आई टू का इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा वन बाई टू, और ये टेंजेंट एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का वन बाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस सी। तो इस पोर्शन का इंटीग्रेशन हमारे पास टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस सी आ गया है। दूसरा पार्ट है हमारे पास आई टू, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। आई वन है ये पहले की तरह है बिल्कुल, डी एक्स साइन एक्स वन प्लस में कोस एक्स, यहाँ पर हम लेट कोस एक्स की वैल्यू जेड मान लें तो ये माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू डी जेड आ जाएगी, डी एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस डी जेड अपॉन साइन एक्स, ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो आई वन की वैल्यू आ जाएगी माइनस में डी जेड, और ये साइन स्क्वेयर एक्स आ जाएगा साइन एक्स, ये वन माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स लिख दिया है, और ये वन प्लस कोस एक्स आ गया, इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू पुट किया, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू यहाँ निकाल करके इस सारी संख्या को हमने जेड में कन्वर्ट करके पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, इसके बाद में हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन किया, ये कॉन्स्टेंट ए अपॉन बी करके जैसे करते हैं, एलसीएम लिया, जेड की वैल्यू पुट करके ए बी और सी की वैल्यू पुट निकाली है, ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया है। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का निशान और डी जेड ये हर टर्म के साथ ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका वन बाई फोर लॉग ऑफ जेड माइनस वन, माइनस वन बाई फोर लॉग ऑफ जेड प्लस वन, और माइनस वन बाई टू ये जेड प्लस वन की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस ही वैल्यू पुट कर देंगे वन बाई फोर, ये सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन कर दिया। उसके बाद में इसकी जेड की वैल्यू पुट कर दी है, हमारे पास आई वन आ गया, क्वेश्चन के दो पार्ट थे, पहला पार्ट आई वन था उसकी वैल्यू हमारे पास आई है लॉग ऑफ कोस एक्स माइनस वन कोस एक्स प्लस वन प्लस में वन बाई टू वन बाई कोस एक्स प्लस वन, और दूसरा पार्ट जो आई टू किया था उसके पास हमारे पास शुरू में यहाँ पर जो ये इंटीग्रेशन आया था टेंजेंट एक्स बाई टू वो इसमें ऐड कर देंगे, तो ये टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस सी, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया है।